अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ग्रीन CS 217। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बस टोपोलॉजी। तो बस टोपोलॉजी की अगर बात की जाए तो इट इज़ द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ नेटवर्क दैट सपोर्ट अ स्मॉल नंबर ऑफ कंप्यूटर्स। ठीक है, ये सिंपलेस्ट टाइप ऑफ नेटवर्किंग है और इसमें मिनिमम नंबर्स ऑफ कंप्यूटर्स हम यूज़ करते हैं। पहला पॉइंट यही है इसका कि इट इज़ द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ नेटवर्क। ठीक है, और ये क्या करता है कि इट सपोर्ट्स आ स्मॉल नंबर ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स ठीक है, इसमें बेसिकली होता क्या है कि सारे कंप्यूटर्स या नोड्स जिनको हम कहते हैं वो कनेक्टेड होते हैं एक मेन या कॉमन कम्युनिकेशन मीडियम से। ठीक है, उस कम्युनिकेशन के मीडियम को हम लोग कह सकते हैं कि वो कोई सेंट्रल वायर है या बैकबोन वायर है, और उस वायर के हर एंड पे, जाहिर सी बात है टू एंड्स हैं, तो दोनों एंड्स पे क्या होगा कि टर्मिनेटर्स लगे होंगे सिग्नल्स को एब्जॉर्ब करने के लिए, क्योंकि वन वे इसमें कम्युनिकेशन होती है, वन वे ट्रांसफ़र ऑफ डाटा होता है, या हम कह सकते हैं कि फ्लो ऑफ डाटा जो है वन डायरेक्शन है। तो जब एक डायरेक्शन में डाटा फ्लो करेगा तो एंड पे जाके क्या होगा कि टर्मिनेटर्स उस डाटा के सिग्नल्स को एब्जॉर्ब कर लेंगे। ठीक है, इसमें होता क्या है कि ऑल कंप्यूटर्स कंप्यूटर्स या नोड्स, ठीक है, नेटवर्क में जितनी भी डिवाइसेस, मोस्टली कंप्यूटर्स जो कनेक्ट होते हैं, हम उनको कंप्यूटर्स भी कह सकते हैं, उनको नोड्स भी कह सकते हैं। तो इसमें सारे के सारे कंप्यूटर्स या नोड्स जो हैं आर कनेक्टेड टू अ कॉमन कम्युनिकेशन मीडियम, कनेक्टेड टू अ कॉमन कम्युनिकेशन मीडियम। ठीक है, ऑफन कॉल्ड आ सेंट्रल वायर, यानी उस कम्युनिकेशन मीडियम को जो कॉमन है सारे कंप्यूटर्स का, हम कह सकते हैं उसको कि वो सेंट्रल वायर है या बैकबोन वायर भी कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो बैकबोन वायर है इसके दोनों एंड्स पे क्या होगा, टर्मिनेटर्स लगे होंगे। हम कह सकते हैं कि टर्मिनेटर्स आर यूज्ड एट द एंड ऑफ अ बस टू एब्जॉर्ब सिग्नल्स। टर्मिनेटर्स आर यूज्ड एट द एंड ऑफ अ बस। बस हम यहाँ पे किसे कह रहे हैं, सेंट्रल वायर को या बैकबोन वायर को, टू एब्जॉर्ब सिग्नल्स। ठीक है, अगर हम इसकी शेप की बात करें तो यहाँ पे होता क्या है कि एक सेंट्रल वायर जा रही है जिसके दोनों एंड्स पे टर्मिनेटर्स हैं जो सिग्नल्स को एब्जॉर्ब करते हैं। अब इस बैकबोन वायर के साथ कई कंप्यूटर्स जो हैं कनेक्टेड हैं, इनको हम नोड्स भी कह सकते हैं। ठीक है, 1, 2, 3 और 4 स्मॉल नंबर ऑफ कंप्यूटर्स को ये सपोर्ट करता है। ये हमारे पास क्या है, टर्मिनेटर्स। ओके, इसमें डाटा कैसे फ्लो करता है, हमेशा वन डायरेक्शन में फ्लो करता है,
और इसमें कोलिजन के चांस भी ज़्यादा हैं। वो कैसे कि एट अ टाइम अगर इस बंदे ने कंप्यूटर फोर को डाटा सेंड किया है, ठीक है, अगर इस बंदे ने कंप्यूटर फोर को डाटा सेंड किया है और उसी टाइम पे कंप्यूटर टू ने थ्री को भी सेंड कर दिया, तो ये डाटा अगर अभी यहाँ पे हुआ, कंप्यूटर वन का डाटा अभी कंप्यूटर टू और थ्री के सेंटर में हुआ, इतने में कंप्यूटर टू ने भी डाटा सेंड कर दिया, तो यहाँ पे क्या होगा? कोलिजन। ठीक है, डाटा की एफिशिएंसी जो है यहाँ पे इफ़ेक्ट होती है। और यहाँ पे डाटा चलता कैसे है कि कंप्यूटर वन ने कंप्यूटर फोर को मैसेज भेजना है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, मैसेज में कंप्यूटर फोर का एड्रेस भी मेंशन करके बैकबोन वायर पे सेंड कर देगा। अब यहाँ पे क्या होगा, वो डाटा पहले जाएगा, रास्ते में जितने भी कंप्यूटर्स आएंगे वो सारे के सारे उस मैसेज को चेक करेंगे कि उस मैसेज का एड्रेस इस कंप्यूटर एड्रेस से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर तो एड्रेस मैच करता है तो कंप्यूटर उस डाटा को रिसीव कर लेगा, लेकिन अगर उस मैसेज का एड्रेस जो है कंप्यूटर एड्रेस से मैच नहीं कर रहा, तो वो कंप्यूटर क्या करेगा, उस डाटा को नेक्स्ट कंप्यूटर के पास फॉरवर्ड कर देगा। फिर अगला कंप्यूटर उस डाटा को चेक करेगा कि क्या ये मेरे लिए है। अगर एड्रेस मैच नहीं किया तो फिर वो कंप्यूटर भी क्या करेगा, अगले कंप्यूटर के पास उसे फॉरवर्ड कर देगा, और फिर जब एड्रेस मैच हो जाएगा तो वो कंप्यूटर अपने डाटा को रिसीव कर लेगा। ठीक है, अब इसके जो एडवांटेजेस हैं, सबसे पहला तो ये है कि सिंपल एंड इजी टू यूज़। ठीक है, दूसरी बात ये कि इसमें स्मॉल लेंथ ऑफ केबल रिक्वायर्ड होती है, इट रिक्वायर्स स्मॉल लेंथ ऑफ केबल। ठीक है, लेस एक्सपेंसिव है क्योंकि ये मिनिमम नंबर्स ऑफ कंप्यूटर को सपोर्ट करता है, तो जाहिर सी बात है इसलिए एक्सपेंसिव भी कम होगा क्योंकि ये कम्प्लेक्स नहीं है, स्मॉलेस्ट टाइप ऑफ नेटवर्क है। उसके बाद अगर इसके डिसएडवांटेजेस को हम देखें तो वो क्या है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ट्रबल शूट। मतलब अगर कोई प्रॉब्लम आ गई है नेटवर्क में तो सारे के सारे कंप्यूटर्स को चेक करना पड़ेगा, सारी की सारी वायर्स को चेक करना पड़ेगा, और अगर बैकबोन वायर में कोई मसला हो जाता है तो सारा का सारा नेटवर्क जो है वहीं पे हमारा ख़त्म हो जाएगा, वहीं पे नेटवर्किंग उसकी ख़त्म हो जाएगी। दूसरा पॉइंट हमारे पास है कि इट ओनली सपोर्ट स्मॉल नंबर्स ऑफ कंप्यूटर्स। ठीक है, यानी इफ नंबर ऑफ कंप्यूटर इंक्रीजेस द नेटवर्क स्पीड विल स्लो डाउन। इफ नंबर ऑफ कंप्यूटर इंक्रीजेस तो उसे होगा क्या कि नेटवर्क स्पीड विल स्लो डाउन। ठीक है, तो ये हमारे पास बस टोपोलॉजी है जो नेटवर्किंग में सबसे ज़्यादा सिंपल और स्मॉल नेटवर्क को सपोर्ट करती है।